गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक ए पैराग्राफ माय फेवरेट गेम। यस स्पॉट गेम लिखा सकता है, स्पॉट भी लिखा सकता है, दोनों का मीन्स सेम होता है। गेम तब भी यही लिखना है, स्पॉट लिखा है तब भी यही लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें मैंने सारे पैसिव के सेंटेंस दिए थे। जितने प्रकार के एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं उतने सभी प्रकार के मैंने एक एक दो दो सेंटेंस सब सब तरीके के दिए थे। और सेंटेंस को देख करके क्या होता है कि हमें वो सारी चीज़ें फेस करने का मौका मिल जाता है जो हम उनको टच ही नहीं करते हैं। बहुत से रूल्स क्या होता है कि हम देख लेते हैं, अरे ये इस तरीके का तो हमें आता है, हम बना लेंगे। लेकिन जब वही उसी प्रकार का जब सेंटेंस लिखा जाता है या सेंटेंस दिया जाता है तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट उसको गलत बनाते हैं, सही नहीं बना पाते हैं। वो क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं करते हैं, उसका मतलब सेंटेंस को टच ही नहीं करते हैं, तो वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है लास्ट टाइम। इसलिए मैंने एक्सरसाइज में आपके हर एक प्रकार का मतलब एक सेंटेंस दिया था जिससे कि सारे टेंसेस अपने टच में रहें, सारे रूल्स रेगुलेशन टच में रहें। आज मैं आपको एक पैराग्राफ कराता हूँ। एक दो दिन दो तीन दिन में आपको पैराग्राफ ही कराऊंगा, फिर मैं आपको दूंगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मैं अच्छा वर्ब के लिए सारे पहले दो तीन दिन आप लोग एक्सरसाइज इस वर्ब की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप सारे मतलब एडवर्ब सही तरीके से याद कर लो। मैं अभी से आपको बता देता हूँ, आज क्या है, ट्यूसडे है और मैं आपको फ्राइडे को दूंगा। फ्राइडे को मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सारे सेंटेंस दूंगा जिसमें अपन को सारे एडवर्ब याद होने चाहिए, सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब और उसमें कौन सी वर्ब यूज़ की, मेन वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है और सारे एडवर्ब। एडवर्ब याद होंगे तो हम टेंस टेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आसानी से कि ये टेंस उस ये सेंटेंस उस टेंस से बिलोंग करता है। अधिकतर मोस्टली जो अपने बोर्ड में सेंटेंस आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के उसमें मोस्टली मोस्टली सेंटेंस के अंदर एडवर्ब दिया होता है। तो एडवर्ब हमें हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, विच सेंटेंस बिलोंग टू द टेंस, कौन से टेंस से ये बिलोंग करता है, इसमें हमारे रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो आपको सही तरीके से वो याद करना है जिससे कि हम उसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकें। अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में इसके जो जो मैंने लिखा है क्या बोलते हैं माय फेवरेट गेम, इसके ऊपर मैं आपको एक पैराग्राफ लिखता हूँ। देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स गेम्स आउटडोर फुल स्टॉप नहीं
बट माय फेवरेट टीम इज is eight. It is very interesting game. It keeps our body. Keeps our body sound and strong. It is very costly. The game of cricket. Two teams of which each team has 11 players. बस पहले इसका हिंदी देखिए. इसका हिंदी मीन्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द गेम्स आउटडोर एंड इनडोर. बाहर खेलने वाले और घर के अंदर खेलने वाले कई प्रकार के गेम होते हैं. बट माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट. लेकिन मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट वेरी मच. मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. ये बहुत ही आनंददायक गेम है या खेल है. इट कीप्स अवर बॉडी साउंड एंड स्ट्रांग. ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखता है. इट इज वेरी कॉस्टली गेम. यह बहुत ही महंगा गेम है. द गेम ऑफ क्रिकेट नीड्स टू टीम्स ऑफ. क्रिकेट के गेम के लिए दो टीम की आवश्यकता होती है. और विच ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स. और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं. ओके इतना हुआ. इसको रफ करते हैं पहले और इसके बाद मैं फिर आगे लिखता हूँ.
नहीं उठाया सही। बोले ना उसमें बॉटल ले आना, हल्का उसमें ले आना, थोड़ा एक गिलास में ले आना। आगे इसमें ले आना। देखिए big ground. बैट्स बॉल्स एंड टू सेट्स ऑफ स्टंप्स। देखा ऐसे नीडेड टू एम्पायर्स कंडक्ट द गेम sometimes a third empire third empire
इज रिक्वायर्ड is required to solve confusion. At the beginning, of the match, riding समझ में आ रहा होगा. It tosses adopted is adapted adopted to select a select a fielding group and dekh raha hai kisko and a batting group. It needs a big ground to play cricket. क्रिकेट खेलने के लिए एक बड़े मैदान की आवश्यकता होती है. Bats, balls and two sets of stumps are also needed. Bats यानी कि बल्ले गेंदें और दो जोड़ी स्टंप की भी आवश्यकता होती है. Two umpires conduct the game. दो एम्पायर इस गेम का निरीक्षण करते हैं. एंड समटाइम ए थर्ड एम्पायर इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए क्यूट कन्फ्यूजन. और कभी कभी तीसरे एम्पायर विशेष मतलब बारीक भ्रम को सॉल्व करने के लिए तीसरे एम्पायर की भी आवश्यकता होती है. एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच मैच के प्रारंभ में टॉस इज अडॉप्टेड टॉस उछाला जाता है. टॉस को उछालते हैं टू सेलेक्ट ए फील्डिंग ग्रुप एंड ए बैटिंग ग्रुप. कि किस टीम को फील्डिंग देनी है और किस टीम को बैटिंग देनी है. ये मतलब इसमें इसको देख लो आराम से. फिर इसको मैं रब करता हूं. इसको सही तरीके से आप देख लो. और इसको फिर मैं रफ करता हूं. ओके देखिए मैं इसे रफ करता हूं.
आगे देखिए, द बैट्समैन be out in many ways. लम बैट्समैन कई तरीके से आउट हो सकता है, जो मतलब बैट बल्लाबाजी करता है, ही मे बी बोल्ड आउट कोमा रन आउट कोमा स्टंप आउट एंड कैच आउट। इस प्रकार से वह कई तरीके से आउट हो सकता है, मतलब बोल्ड आउट और रन आउट, स्टंप आउट एंड कैच आउट। व्हेन ए बॉलर balls balls a batsman hit hits the ball away and changes the position positions with his partner. Before the ball is received, at wicket. Wickets cricket is very popular popular all over the world. ये हो गया अपना पैराग्राफ, इसका हिंदी में देंगे। बैट्समैन में भी
आउट इन मेनी वेज, मतलब बैट्समैन कई प्रकार से आउट हो सकता है, वह बोल्ड भी हो सकता है, रन आउट भी हो सकता है, स्टम्प आउट भी हो सकता है, कैच आउट हो सकता है। वेनी बॉलर बॉल्स, जब एक बॉलर बॉल को फेंकता है, बैट्समैन हिट्स द बॉल, तो बैट्समैन उस बॉल पर मतलब अपने बैट से प्रहार करता है एंड चेंज द पोजिशन विद हिज पार्टनर बिफोर बॉल इज रिसीव्ड एट द विकेट, और बॉल विकेट पर आने से पहले अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, हमने स्थान को बदल लेते हैं। क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और क्रिकेट पूरे विश्व में सबसे लोग बहुत अधिक लोकप्रिय गेम है, सबसे पसंद करने वाला गेम है। तो इस प्रकार से हमारा ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, और इसे लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद इसको विदाउट सी लिखेंगे, और फिर चेक करोगे आप खुद ही कि हमारा कितना सही है और कितना गलत है। इसी प्रकार से मैं आपको कल एक और पैराग्राफ कराऊंगा जो आपको लर्न, और यही पैराग्राफ आपको लर्न और करने हैं, साथ ही साथ याद भी करते जाओ, जिससे कि आपको बहुत सारा मटेरियल हो जाए फिर वो याद नहीं होता है, तो उससे पहले हमें साथ ही साथ पूरा याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू, ओके।